मैं रेडी हूँ लेजर ट्रीटमेंट कराने के लिए। इससे तुरंत इफेक्ट दिखेगा ना फेस पे। ग्लोइंग एंड ब्राइट स्किन के ऐसे ट्रीटमेंट जो स्टार, सेलिब्रिटीज एंड एक्ट्रेस कभी नहीं बताते, उनमें से कुछ स्किन ट्रीटमेंट आज आप देखोगे। वैकेशन में ट्रैवल कर करके मम्मी की एंड मेरी स्किन बहुत टैन हो चुकी है, तो चलते हैं स्किन ट्रीटमेंट करवाने। तो अभी ना हमें जाना है स्किन के डॉक्टर के पास। आज 6 बजे का अपॉइंटमेंट हमने लिया है, तो 6 बज गए। मैं ना पापा को कब से फोन कर रही हूँ कि पापा जल्दी से आ जाओ हमको लेने के लिए, हमको है ना आप हॉस्पिटल छोड़ दो। तो पापा भी आ रहे हैं, मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो पापा बोलेंगे कि तुम रेडी ही नहीं हुए अब तक। और एक तो आ जाना, नानी भी घर पर नहीं है, नानी चली गई है गाँव, तो सबसे पहले ना कृष्णा और चीकू दोनों को है ना दादी के घर पर छोड़ना पड़ेगा। तो मम्मी है ना चीकू को ही रेडी कर रही है कि भूल जाना है, भूल जाना है, वो रेडी ही नहीं हो रहा। पर मेरे को तो नहीं जाने का ना वो स्किन के हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना, मेरी स्किन वो है ना पूरे दुनिया में ना सब लड़कियों से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। तो मैं मेरी स्किन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है लड़कियों से भी। तो देखो मैं रेडी हो गया और मैंने ना स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया, मम्मी ने बोला सिर्फ लिप बाम लगा के चलना, और पापा अभी तक नहीं आए। देखो मतलब मैं पूरा रेडी हो गया और आज पापा लेट कर रहे आने में। और नानी नहीं है ना, नानी गांव चली गई है, तो घर देखो ना एकदम सूना सूना लग रहा है। नानी के बिना हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन नानी का भी गाँव में काम था ना। मम्मा नानी कब आएंगी? देखो आज ही नानी गई और मैं आज ही पूछ रही हूँ। 2-3 दिन के बाद आएंगी नानी। हमारी ची बेबी को भी नहीं अच्छा लग रहा है ना चिक्को? पर मेरे को जाने का ही नहीं है ना वो स्किन के हॉस्पिटल के अंदर, मेरी स्किन पहले से ही ब्यूटीफुल है। तेरी पैंट देखा कितना क्यूट लग रहा चिक्को तू। कपड़े लाने पड़ेंगे उसको अभी नए नए। अरे 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 मामा, ये तुमने मेरे मुंह को से क्या लगा रही, मेरे को तूने भूत बना दिया ये लड़कियों का पाउडर लगा के। मैं लड़का है, मैं लड़का बोले तो जेंट्स से मैं जेंट्स जेंटस जेंट्स ये मेरे को भूत बनाया है मेरे मामा ने। अभी ना मैं झाड़ू से पीटूंगा अभी मैं सबको। तने खिया आओ। अरे काओ करत बाहिया, इतना सारा पाउडर थोप दिया मेरे मुंह के ऊपर, अभी इसको झाड़ू से झाड़ना पड़ेगा। वैसे मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ स्किन ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि ये ना मेरी लाइफ की फर्स्ट स्किन ट्रीटमेंट होगी। बॉटल पकड़, वैसे ही चल पाई है। चिकु चल, ची बेबी कम ऑन। ए दीदी तू थोड़ा सा रुक जा, मेरे को ना पहले जाने दे उधर गाड़ी में बैठने के लिए, क्योंकि मैं ना भाग के जाऊंगा और मैं ना फ्रंट वाले सीट पे बैठने वाला है, क्योंकि पापा को बोलना पड़ेगा ना गाड़ी कैसे चलाने की। थोड़ा सा ऐसा मूवी तो धोने देते मेरे को। नहीं ना पापा, 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी ना, अभी 6:30 बज गए। पानी लाया क्या? हाँ लाया। लो पानी दो। हाँ ये लो। क्यों बेबसी है? क्या मुझे जो तुमने मेरे को घर में भी नहीं आने दिया और इधर खेत बाहर ही लेके चले, क्या बेबसी और क्या मजबूरिया थी तुम्हारी। अपॉइंटमेंट थी 6 बजे की। वही 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी और अभी 6:30 बज रहे, यही मजबूरी थी। पापा ये देखो, इसने ना अभी आम खाया थोड़ी देर पहले और इसको है ना पूछा भी नहीं मोबाइल को। क्यों रे, तू क्या आम खा के नशे में हो जाता क्या? ये देखो ना कितना गंदा। बेडशीट क्यों पूछा था मैंने? वाह, मतलब तू बेडशीट को पोंछ रहा आम खा के इतना। तेरे ना 2 फटके रिजर्व हो गए, एक मोबाइल गंदा करना और एक बेडशीट गंदा करना, 2 फटके घर जाने के बाद मिल लेंगे। क्योंकि ये दिन भर मेरे को मारता रहता है, बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनता। पापा 2 नहीं 3 देना। हाँ 3 फटके रिजर्व हो गए बच्चे तेरे अभी। ठीक वाह बच्चे। तो बच्चे घर पे जाने के बाद में क्या होने वाला है? मार खाने वाला। कौन खाने वाला है? मैं। कितने मार खाने वाला है तू? अभी फिलहाल में तू कहाँ जा रहा? आई के घर पे। आई के घर पे तू क्या करेगा? आई के घर पे मामा का मोबाइल चलूंगा। कृष्णा घर पे जाके कुछ मार भी
खीर नहीं खाने वाला है, मेरे को मालूम है कृष्णा का सीक्रेट। कृष्णा आलिया बने दादी के घर पे जाएंगे और दादी को तंग करेंगे, बहुत तंग करेंगे अपन दादी को। उधर अपना है ना पूरा आतंक फैला डालेंगे अपन दादी के घर पे। क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरिया जी। कुछ तो हंसना, ये देखो दादी आ गई, उतर जल्दी। अभी कृष्णा और मैं ना दादी के घर पे जाके रुकने वाले। कृष्णा मैं क्या बोल रहा था, मम्मा से मोबाइल ले ले, तो अपन ना मोबाइल भी देखते बैठेंगे और साथ ही साथ दादी को तंग करेंगे। बच्चे टाटा टाटा चिकू, हम थोड़ी देर में आएंगे। जा टाटा टाटा। वाह देखो ना यहाँ पे तो मेला लगा हुआ है, पापा कब लेके आ रहे हो मेले में? छुट्टी देख के आएंगे। हाँ वो देखो वहाँ पे वो बच्चों के खेलने का भी है ना, मैं उसमें भी जाऊंगी। चलो तो हॉस्पिटल आ गए, अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। और मैंने पापा को बोला कि आप भी चलो हमारे साथ। तो अभी हम आ चुके हैं स्किन के हॉस्पिटल में। स्किन बहुत टैन हो गई है मम्मी की और मेरी। अब देखते हैं डॉक्टर हमें कौन सी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। और पापा स्किन ट्रीटमेंट का मेन्यू कार्ड देख के थोड़े से शॉक हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मम्मी का एंड मेरा बिफोर एंड आफ्टर के लिए फोटो क्लिक कर रहे हैं। डॉक्टर हमें बताएंगे कि मुझे ना अपने स्किन के लिए क्या क्या कराना चाहिए। ये फेस वॉश है, इससे चेहरा धोना है। रोज सुबह आपको एक SPF लगाना है, जब भी आप आउटडोर शूट करते हो, इंडोर्स रहते हो, तो ये SPF लगाना है। ये इंडियन स्किन टाइप के लिए परफेक्ट सनस्क्रीन है, जो UVA UVB दोनों से प्रोटेक्शन देता है और इन्फ्रारेड लाइट से भी प्रोटेक्शन देता है। और शाम के वक्त वापस चेहरा धोना है, ये मॉइस्चराइजर लगाना है। तो इससे पहले हमने कॉस्मेटिक के ब्यूटी प्रोडक्ट यूज किया है, बट अब हम डॉक्टर के सजेस्ट किए हुए प्रोडक्ट यूज करेंगे। प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स मैं आपको ट्रीटमेंट के बाद दे ही दूंगी। तो डॉक्टर ने स्किन ब्राइटनिंग के लिए लेजर एंड पिलिंग की ट्रीटमेंट बताई है हमें। लेजर से स्किन पे इंस्टेंट ग्लो दिखाई देता है, तो यही है वो सीक्रेट जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी यूज करते हैं। चाहे कितना भी वेकेशन एंजॉय करो, स्किन डार्क होने पे आके ट्रीटमेंट करवा लो। तो दैट्स ऑल, ये आपका हो गया फेस का। और इससे क्या होगा, काफी ग्लो आएगा स्किन के ऊपर और आपका जो टैन हुआ है, डेड स्किन हुआ है, ये पूरा पील ऑफ हो जाएगा। और इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई केमिकल नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट देगा, ऐसा कुछ चीज नहीं है। तो मम्मी को भी पीलिंग ट्रीटमेंट बताई है डॉक्टर ने, जिसका रिजल्ट 2-3 दिन में दिखाई देगा। और मुझे सेलिब्रिटी के जैसे लेजर एंड पीलिंग करने के लिए कहा है। तो अभी है ना मम्मी को और मुझे, हम दोनों को है ना डॉक्टर ने पीलिंग करने के लिए बोला है। पीलिंग से क्या है, फेस का टैन चला जाएगा। ये देखो मेरे माथे पे कितना टैन है और मम्मी के फेस पे तो पूरे फेस पे टैन आ गया है। देखो देखो पापा वहाँ पे है ना बिल कर रहे हैं। मम्मी आप खुश हो पीलिंग करने के बाद, स्किन कितनी अच्छी लगेगी ना हमारी। अपनी भी स्किन ऐसे ग्लास के जैसे चमकेगी शायद, जैसे दूसरे लोगों की चमकती है ना आज अपने भी चमक। हाँ जैसे एक्ट्रेस की चमकती है ना वैसे ही होगा सब। क्या बोला, मेरी स्किन हेल्दी ऐसे बोले डॉक्टर साहब ने। हाँ डॉक्टर ने बोला कि ये जो है ना, ये मम्मी का गोल चेहरा है ना, यहाँ पे फैट बिल्कुल भी नहीं है, ये मसल्स है मसल्स। नीड है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। हाँ ना फिर ऑफ कोर्स नीड है ना, पेलिंग में ज़्यादा दर्द तो नहीं होता ना, जो पेनफुल नहीं होता है ना। मेरे को क्या मालूम, अब देख लेते हैं ना मेरे को क्या 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 है उसमें। कितनी बार निकली है पता है आप सबको पप्पा ने, ये सब क्रीम और ये वो, ये भी कम से कम 15-20 हज़ार का होने वाला है। नीड है नीड, इसकी पेमेंट तुम करना। ठीक है, मैं तुमको गाँव लेके गया था, तुम्हारी स्किन टैन हुई वहाँ पे, उसका खर्चा मैं करता हूँ, लेकिन इसका खर्चा तुम करना। हाँ चलेगा, हम कर लेंगे। चलो तो अभी मैं जा रही हूँ पीलिंग कराने रूम में। मम्मी ऑल द बेस्ट, बाद में देखेंगे हम दोनों की स्किन कैसी लगती है। ठीक है पापा आप इधर ही रुको। रुक रहा हूँ इधर ही। तो सबसे पहले ना लेजर ट्रीटमेंट होने वाली है, उसके बाद में पीलिंग होगी। और फर्स्ट टाइम मैं लेजर ट्रीटमेंट करा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। पापा थोड़ा सा सहानुभूति दो। तो बोलो ना। बड़ी बड़ी मशीनरी। तो ये रहे वो सारे हथियार,
जो लड़कियों की स्किन को ब्यूटीफुल एंड चिकनी बनाते हैं। चलो मैं रेडी हूँ लेजर ट्रीटमेंट कराने के लिए, इससे तुरंत इफेक्ट दिखेगा ना फेस पे। ओके। आपने बहुत सारे रील स्टार्स एंड एक्ट्रेस देखे होंगे, वो अपने स्किन के लिए क्या करते हैं ये हम कभी नहीं जानते, लेकिन आज मैं वो सारे ट्रीटमेंट्स आपके सामने करने वाली हूँ। यार मैं नर्वस हो रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। अच्छा फेस चाहिए तो ये सब तो सहना पड़ेगा ना, पेन तो नहीं होगा ना? हल्का सा लाइटली गर्म लगता है। अच्छा, पिंच पे जैसा फील होता है और ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। ओके। ये देखो ये है मेरी स्किन का बिफोर लुक, आप अभी देख लो, फिर आपको आफ्टर में समझ में आएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरी स्किन में। ओके। मैंने ऐसे सुना है कि लेजर ट्रीटमेंट से इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई देता है। सबसे पहले क्लेंजिंग करेंगे। ओके। अब देखते हैं लेजर ट्रीटमेंट से मेरे फेस पे क्या चेंजेस आते हैं। फेस पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे और फेस अच्छे से कवर हो जाएगा, इसमें फिर स्किप नहीं होता है। अच्छा। सब स्टार्ट होने वाली है लेजर ट्रीटमेंट और मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। लेजर में स्टार्ट करूंगी, पावर आपको बहुत ज्यादा लगते हैं। नहीं मैं बता रही हूँ, ऐसे कुछ फील नहीं होता है, अनकंफर्टेबल लगता है, तो बताइए पावर आपके हिसाब से लगती है। ठीक है, ज्यादा गर्म तो नहीं लगे? नहीं बहुत ज्यादा नहीं लगे। स्टार्ट करूंगी, एक लाइन करके बताती हूँ मैं आपको। डरिए मैम, हाथ में ये रिंग पकड़िए, अगर आपको लगता है तो प्रेस करिए। ठीक है, तो गर्ल्स अगर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत पेनफुल है, तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन ये पेनफुल नहीं है, बस हल्का सा गर्म लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे स्किन के साथ साथ हेयर्स भी गोल्डन जैसे हो गए हैं। देखो पूरे फेस पे कुछ भी नहीं हो रहा है मुझे फील, लेकिन जितने भी सेंसिटिव जगह है ना, जैसे आंख के नीचे या फिर अपर लिप्स, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है, एकदम हल्का सा। आंखें ठीक से बंद भी रखनी है आपको। हाँ दो नोज का एरिया सेंसिटिव है, सेंसिटिव है और बोन एरिया है, अभी मैं पावर कम कर रही हूँ और आँखों के आसपास करेंगे अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए। एक मिनट। हाँ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे पहले, ये ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ज़्यादा है? नहीं ठीक है। देखो हो गए मेरी लेजर ट्रीटमेंट, बताओ कैसे लग रहा है फेस में? थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है, रेड रेड हो गया क्या फेस? देखो हल्का सा रेडनेस हो गया है, मेरी सारी बाल चली गई। अभी फेस एकदम क्लीन लग रहा है ना, ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये हटाने के बाद में आपको समझ में आएगा। सो अभी है ना मुझे 5 मिनट के लिए ना ये आइसिंग करना है, फिर उसके बाद में हम पील स्टार्ट करेंगे, क्योंकि है ना फेस पे थोड़ी सी रेडनेस हो गई है ना, और काम डाउन करना है फेस को। पीलिंग करना है अभी मेरा फेस है ना एकदम काम डाउन हो गया, तो अभी है ना हम पीलिंग करेंगे। और मम्मी का हो गया पीलिंग? तो ये जो पिलिंग ट्रीटमेंट होती है ना, ये एक एसिडिक ट्रीटमेंट होती है, जिससे स्किन की बाहर की एक लेयर जो डैमेज हो चुकी है वो निकल जाएगी 2 दिन में, और अंदर की ग्लोइंग स्किन दिखाई देने लगेगी। इससे टैन रिमूव हो जाएगा ना? हाँ, टैन क्लियर हो जाएगा, ग्लो आ जाएगा काफी अच्छे से। सो इसको ना 10-15 मिनट रखेंगे, जैसे ही फेस पे रेडनेस हो जाएगा ना फिर निकाल देंगे। कैसा लग रहा? कैसी दिख रही है? हाँ? कैसी दिख रही है? तू वीडियो में देख लेना कैसी दिख रही, बहुत भारी दिख रही। सच में? अभी देखना ना वीडियो के अंदर, बहुत जबरदस्त दिख रही। ऐसा लग रहा अभी तूने खून पिया। तो अभी पिलिंग को मेरे चेहरे से हटा रहे हैं। थोड़ा सा है ना मुझे एकदम हल्का सा इचिंग हो रहा है, अभी है ना ये व्हाइटनिंग मास्क अप्लाई करेंगे,
अब देखो थोड़ा सा टैन निकल गया है ना, अभी नहीं समझ में आएगा, दो दिन के बाद में एकदम क्लियर समझ आएगा। तो अभी ना मेरे चेहरे पे व्हाइटनिंग फेस मास्क अप्लाई कर रहे हैं, जिससे ना मेरी स्किन ब्राइट एंड ग्लोइंग दिखेगी। कभी कभार आपने एक्ट्रेसेस को बिना मेकअप के देखा होगा, बिना मेकअप के भी उनकी स्किन कितनी ब्राइट एंड व्हाइट लगती है, वो सिर्फ प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही हो सकता है। देखो ये रहा मेरे फेस का आफ्टर लुक। तो अभी आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी क्लियर लग रही है, जिस पे ना थोड़ा सा भी मेकअप नहीं है और ना ही मॉइस्चराइजर लगा हुआ है। इसका ग्लो है ना दो दिन के बाद में दिखना स्टार्ट होगा। अभी तो है ना मुझे अपनी स्किन इतनी सॉफ्ट लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ। ये देखो मम्मी, आप बताओ आपको कैसी लग रही है मेरी स्किन? बहुत अच्छी लग रही है, चमक रही है। चमक रही है ना? अभी तो शुरुआत है, दो दिन के बाद देखो कैसे ग्लो आता है। तो मम्मी ने भी पीलिंग कराई है ना, मम्मी के फेस का आफ्टर लुक आप देखो, शाइन कर रहे, एकदम दूर से ऐसे चमक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हॉस्पिटल से है ना मैंने अपनी स्किन ट्रीटमेंट कराई है, मुझे है ना बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ग्लो आ रहा है, देखो ना। चल जा बे, चलोगे हम लोग? चलते हैं घर पर। तो पापा, हाँ? आपको पता है ये ट्रीटमेंट का कितना बिल बना मम्मी का और मेरा? कितना मालूम ना मेरे को कितना बना? तो बताना फिर। 25,000 बना। 25,000 रुपए बिल बना इसका। देखो मैं ना तुमको ऐसे किसी इसमें रोकूंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ना मेरे रोक टोक के वजह से अगर तुम्हारी कहीं तरक्की ना रुके, ठीक है? हाँ। तुम्हारे लिए सब ये नीडफुल है, कपड़े ये वो मैं समझ गया, स्किन ये वो सब नीडफुल है, इसलिए ना मैं तुमको नहीं रोकूंगा कभी भी, ठीक है? यस पापा, थैंक यू। हाँ, ताकि आगे कभी ऐसा ना हो कि पापा उस वक्त आपने हमको रोक दिया, नहीं तो हम कहा के कहा होते, काश नहीं बोलना है, ठीक है? हाँ, मैं नहीं चाहता कि ना कम से कम डिब्बू काश बोले मेरे काव्य कभी ऐसे, काश हमने ऐसा किया होता वैसे, नहीं मैं तुमको काश नहीं बोलने दूंगा कभी। देखो पापा भी जा रहे चीकू लाने के लिए, लेके आओ पापा। ये भी जा रहे हैं पापा के साथ। देखो माता हमी को देख रही है, एकदम ध्यान से देखो, माता हमी को आशीर्वाद दे दो ना बहुत सारा। देखो आ गया ची बच्चा। हे ची, तो सो गई थी? सोई सोई कर गो मम्मा। मतलब आप समझो ये कितना ज्यादा कॉस्ट।
कॉस्टली हो गया है, लेकिन अभी डॉक्टर ने जो बोला है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा अच्छे स्किन के लिए। तो कुछ ऐसी होती है लेजर स्किन ट्रीटमेंट जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी एंड एक्ट्रेस करती है। लेजर हेयर रिमूवल की ट्रीटमेंट भी अगर आपको देखनी है तो कमेंट्स में जरूर बताना गर्ल्स। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करो ताकि सब लोगों को ये लेजर स्किन ट्रीटमेंट वाला सीक्रेट पता चल सके। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।